हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आप सबके साथ शेयर करने वाली हूँ होममेड फेशियल। फेशियल में इस्तेमाल होने वाला केमिकल प्रोडक्ट हर स्किन को सूट नहीं करता है, जिसकी वजह से स्किन को काफ़ी नुकसान पहुँचता है। तो आज मैं आप सबके साथ शेयर करूँगी करवा चौथ स्पेशल होममेड फेशियल, जो आपके स्किन को नुकसान भी नहीं पहुँचाएगा, साथ ही आपके बजट में भी फिट होगा। तो इसे कैसे बनाना है, चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपको लेना है एक आलू। मैं यहाँ पे मीडियम साइज का आलू इस्तेमाल कर रही हूँ। आलू को ग्रेट कर लेना है। ग्रेट करने के बाद इसको छन्नी के हेल्प से चम्मच से दबा दबा के सारा इसका जूस निकाल लेना है। आलू का रस चेहरे पर लगाने से डेड स्किन की समस्या से निजात पाया जा सकता है। आलू में प्राकृतिक एक्सफोलिएटर होता है, जो चेहरे के लिए फायदेमंद होता है। इसके बाद यहाँ पे मैं इस्तेमाल कर रही हूँ एक चम्मच रॉ मिल्क। कच्चे दूध में लैक्टिक एसिड, विटामिन ए पाया जाता है, जो स्किन की प्रॉब्लम को दूर करता है और साथ ही स्किन में नमी बनाए रखता है। इन दोनों चीजों को अच्छे से मिक्स कर लेना है आपको, और अब इस्तेमाल करेंगे फेस पे। सबसे पहले आप अपने स्किन को फेस वॉश या फिर नॉर्मल वाटर से अच्छे से क्लीन कर ले, जो कि यहाँ पे मैं कर चुकी हूँ। इसके बाद आपको अप्लाई करना है क्लींजिंग। तो क्लींजिंग अप्लाई करने के लिए आप ब्रश का इस्तेमाल कर सकते हैं। यहाँ पे मैं कॉटन का इस्तेमाल कर रही हूँ। पूरे फेस पे अच्छे से अप्लाई कर लेना है। इसके बाद 20 से 30 सेकेंड आपको जेंटली मसाज करना है। बिल्कुल भी दबाव नहीं डालना है फेस पे। क्लींजिंग करने से स्किन गहराई से साफ हो जाता है, और जो भी धूल मिट्टी के कण आपके फेस पे जम जाते हैं, वो बहुत ही आसानी से निकल जाते हैं। अगर आप आलू का इस्तेमाल अपने फेस पे करते हैं, तो इससे आप सनबर्न से भी बच सकते हैं, क्योंकि इसमें मौजूद जिंक सन प्रोटेक्शन का काम करता है। आलू के रस में एंटी इंफ्लेमेटरी पाया जाता है, जो स्किन पर मुहासे को दूर करने में मदद करता है। 20 से 30 सेकेंड का मसाज करने के बाद अब मैं यहाँ पे गीली टॉवल से अपने फेस को साफ कर लूंगी। इसके बाद हम अप्लाई करेंगे स्क्रब। क्लींजिंग के बाद जो बचा हुआ आलू का जूस और मिल्क था, उसी में आपको ऐड करना है एक चम्मच चावल का आटा। तो यहाँ पे मैं सूट करना भूल गई थी। चावल का आटा एक चम्मच आपको इसमें मिक्स कर लेना है अच्छे से। ना ज़्यादा पतला होना चाहिए और ना ही ज़्यादा गाढ़ा होना चाहिए। स्क्रब बन के तैयार हो गया है, तो इसे अप्लाई करेंगे फेस पे। आपको थोड़ा सा लेना है हाथ में और बिल्कुल जेंटली स्क्रब करना है फेस पे। बिल्कुल भी दबाव नहीं डालना है, नहीं तो आपका स्किन छिल सकता है। स्किन को स्वस्थ रखने के लिए स्क्रबिंग करना बहुत जरूरी होता है। चावल के आटे में एंटी इंफ्लेमेटरी जैसे गुण होते हैं, ये स्किन पर जमा गंदगी दूर करता है। चावल के आटे से बना स्क्रब स्किन पर नेचुरल निखार लाता है। आपको 2 से 3 मिनट के लिए स्क्रब करना है, इससे ज़्यादा आपको स्क्रब नहीं करना है। स्क्रब करने के बाद अपने फेस को नॉर्मल पानी से अच्छे से धो लेना है। तीसरा स्टेप है मसाज क्रीम। इसके लिए यहाँ पे मैं ले रही हूँ एक चम्मच एलोवेरा जेल और 4 से 5 बूंद नारियल का तेल। अगर आपका स्किन बहुत ज़्यादा ड्राई है, तो यहाँ पे आप आधे चम्मच नारियल का तेल का इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके बाद मैं इसमें मिक्स करूँगी एक चम्मच रॉ मिल्क। यहाँ पे आपको रॉ मिल्क का इस्तेमाल करना है, और सबको अच्छे से मिक्स कर लेना है। इसे तब तक मिक्स करना है जब तक ये क्रीम के फॉर्म में ना आ जाए। तो आप देख सकते हैं, मैंने इसे अच्छे से मिक्स किया है और ये क्रीम के फॉर्म में आ गया है। बिल्कुल क्रीमी टेक्सचर में आ गया है। अब इसे अप्लाई करेंगे फेस पे। फिंगर की हेल्प से पूरे फेस पे इसे अप्लाई कर लेना है, और आपको 5 से 10 मिनट का मसाज करना है सर्कुलर मोशन में। पे मैं इस्तेमाल की हूँ एलोवेरा जेल, नारियल तेल और मिल्क। ये तीनों चीज़ें बिल्कुल नेचुरल है और स्किन के लिए काफ़ी फायदेमंद है। एलोवेरा जेल में एंटीऑक्सीडेंट भरपूर मात्रा में होता है, साथ ही इसमें बीटा कैरोटीन, विटामिन सी, विटामिन ई प्रचुर मात्रा में होता है। नारियल के तेल में मौजूद विटामिन ई, ओमेगा 3 फैटी एसिड आपको चमकती और दमकती स्किन पाने में मदद करता है। 5 से 10 मिनट मसाज करने के बाद आपको अपने फेस को साफ कर लेना है। आपको पानी से नहीं धोना है, यहाँ पे आप अपने गीले टॉवल से अपने फेस को अच्छे से पोंछ लेना है। फोर्थ स्टेप है फेस पैक का। तो इसे बनाने के लिए आपको लेना है एक चम्मच ऑरेंज पील पाउडर और एक चम्मच मुल्तानी मिट्टी। उसके बाद इसमें हम मिक्स करेंगे गुलाब जल। गुलाब जल आपको इतना मिक्स करना है ताकि ये एक पेस्ट की तरह बन जाए। 2 से 3 चम्मच यहाँ पे गुलाब जल मैं मिक्स कर रही हूँ इसमें, ताकि ये चिकना सा पेस्ट बन के तैयार हो जाए।
जिन लोगों का स्किन ऑयली होता है उनके लिए ये फेस पैक शानदार ऑप्शन है। ये फेस पैक आपकी स्किन को गहराई से साफ करता है और चेहरे पे निखार लेके आता है। मुल्तानी मिट्टी का इस्तेमाल करके डार्क सर्कल, एक्ने, पिंपल, ब्लैक हेड, व्हाइट हेड और डेड स्किन को भी दूर किया जा सकता है। इस पैक को अच्छे से मिक्स करना है ताकि इसमें गांठे न बने। मुल्तानी मिट्टी में छोटे छोटे गांठे बन जाती हैं जिससे फेस पे लगाने में प्रॉब्लम होता है। तो मैंने इस पैक को अच्छे से मिक्स कर लिया है। ये पैक बिल्कुल रेडी हो गया है, तो अब अप्लाई करेंगे फेस पे। फिंगर की हेल्प से पूरे फेस पे आपको अप्लाई करना है, एक लेयर लगा लेना है पूरे फेस पे और आपको 15 मिनट रखना है। पूरी तरह से इस फेस पैक को नहीं सुखाना है, आपको 90% इस फेस पैक को सुखा लेना है। अगर आप ज़्यादा सुखा लेते हैं तो बहुत ही कड़क हो जाता है और स्किन से निकलने में प्रॉब्लम होती है, तो इसलिए आपको इतना ज़्यादा नहीं सुखाना है। यहाँ पे मैं जो भी चीज़ें यूज कर रही हूँ बिल्कुल नेचुरल है और सबके घर में बहुत ही आसानी से मिल जाता है। अगर आपके पास ऑरेंज पील पाउडर नहीं है तो आप संतरे के छिलकों को धूप में सुखा के उसका पाउडर बना सकते हैं। बहुत ही आसानी से और इजीली बन जाता है। झुर्रियों की वजह से चेहरे का निखार कम होने लगता है, लेकिन जब आप ऑरेंज पील पाउडर का इस्तेमाल करते हैं तो इससे आपके स्किन में निखार आने लगता है। इस पाउडर में साइट्रिक एसिड होता है जो काले दाग धब्बे को दूर करने में सहायक होता है, साथ ही त्वचा की रंग एक समान बनाता है। 15 मिनट के बाद मैं अपने फेस को धो ली हूँ। नॉर्मल वाटर से आपको अपने फेस को धो लेना है। स्किन काफी सॉफ्ट हो चुका है। तो फ्रेंड्स, वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। आप लोग लाइक वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल पे नया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पे प्रेस कर लीजिएगा ताकि मैं जब भी वीडियो अपलोड करूँ उसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे।